हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं बहुत दिनों से वीडियो शूट नहीं कर रही थी, कुछ रीजंस थे जिस वजह से वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी, बट आई एम बैक और अच्छे वीडियोस लेके और नए नए कंटेंट के साथ। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मेकअप से रिलेटेड या फिर जैसे मैं वीडियोज़ बनाती हूँ बिल्कुल वैसा नहीं होने वाला है। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैंने इस तरीके का वीडियो पहली बार अपने चैनल पर बनाया हुआ है। और आज का जो वीडियो है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अमेज़ॉन हॉल। तो मैंने अमेज़ॉन से कुछ प्रोडक्ट्स बाय किए थे मेकअप और स्किन केयर से रिलेटेड, तो मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। और इस वीडियो के मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ, मतलब ये वीडियो आज मैं तीसरी बार शूट कर रही हूँ। मैंने ये वीडियो दो बार पहले भी शूट कर चुकी हूँ। पहला वीडियो जब शूट किया था उसमें कोई दिक्कत आ गई, तो दूसरी बार वीडियो शूट किया तो वीडियो करप्ट हो गई, मतलब वो लोड नहीं हो रही। तो ये मेरा तीसरा वीडियो है, तो मतलब सारे प्रोडक्ट्स ओपन है। मतलब जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था तो मेरे पास बहुत सारे बॉक्सेस थे इस तरीके के, क्योंकि अमेज़न जो है वो एक एक दो दो करके प्रोडक्ट्स भिजवाता है, इस वजह से मेरे पास बहुत सारे बॉक्सेस हो गए थे। बट हालांकि ये तीसरा वीडियो है, इस वजह से मैंने सारे प्रोडक्ट्स इन बॉक्सेस में रख लिए हैं एक जगह, ताकि मुझे और बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो जो हमारा पहला प्रोडक्ट है वो है ये कलर बार का कॉम्पैक्ट। ये एक रेडियंट वाइट यूवी फेयरनेस कॉम्पैक्ट पाउडर है और मेरा शेड है इसमें 002 शेल। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब एकदम बटरी फार्मूला में है। इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। इसमें कुछ इस तरीके का इसमें मिरर दिया हुआ है। ये मेरा एकदम परफेक्ट शेड है और इसका फार्मूला भी काफ़ी अच्छा है, मतलब एकदम अच्छे से स्मूदली ये स्किन पे अप्लाई हो रहा है। बट मैंने अभी तक इसको फेस पे यूज़ नहीं किया है, तो जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें मैं इसको यूज़ करूँगी अपने फेस पे, तो अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। एंड आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस मार्स का हाइलाइटर। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हाइलाइटर ऐसा आएगा, मतलब मार्स इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। और इसकी MRP कुछ 279 है और जो कलबा का कॉम्पैक्ट था उसकी MRP 299 है। और लुक एट द प्रोडक्ट, ये इतना सही आया है, मतलब आप इसकी पैकेजिंग देखिए, ये बिल्कुल भी मतलब एक हाई एंड प्रोडक्ट की तरह इसकी पैकेजिंग है। कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक तरीके का लॉक सिस्टम है इसका, जो कि बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली है। और इसमें काफ़ी बड़ा मिरर दिया हुआ है, मतलब आप इसमें अपना टचअप मेकअप वगैरह भी कर सकते हो। एंड हियर इज़ द प्रोडक्ट यू गाइस, इतना खूबसूरत सिल्वर हाइलाइटर है, मतलब एकदम बटरी, एकदम मतलब जो स्मूथली एकदम आपके स्किन पे ग्लाइड हो जाए, एक उस तरीके का प्रोडक्ट है ये। मतलब एकदम भी चौकी नहीं है, जैसे टिमटिमाता हुआ हाइलाइटर होता है बिल्कुल वैसा नहीं है, एकदम परफेक्टली आपके स्किन में ये ब्लेंड होने वाला है, मतलब बस मैं। एंड आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम। ये मेरा थर्ड बॉटल है, मतलब ये मेरा फेवरेट सीरम है फॉर माई मेकअप ऑल्सो, फॉर माई स्किन केयर ऑल्सो। ये मतलब एकदम, मेरे पास पहले 30 ml वाली बॉटल थी, अब मैंने इसका सबसे बड़ा वाला साइज़ मंगाया है 50 ml वाली। ये मतलब एकदम परफेक्ट है मेरे स्किन के लिए, क्योंकि जो मेरा स्किन टाइप है वो कॉम्बिनेशन है, मतलब टी जोन हमेशा ऑयली रहता है और इधर में ड्राई और इधर सेंसिटिव, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है कोई भी प्रोडक्ट पिक करने में। बट दिस प्रोडक्ट वर्क्स अमेजिंग फॉर माई स्किन, मतलब बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, एकदम परफेक्टली आपके फेस में एक रेडियंट ग्लो लाते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है बाकी सारे सीरम्स की तरह, बट ये बाकी सारे सीरम्स की तरह वर्क नहीं करती, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप इसको अपने मेकअप से पहले भी अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने स्किन केयर में भी इसको ऐड कर सकते हो, तो इसको ज़रूर ट्राई करना है ऑन माय रिकमेंडेशन। इसके MRP कुछ 575 है, बट ये आपको अमेज़ॉन पे अच्छे डिस्काउंट पर मिल जाएगी, या फिर आप purple.com से भी बाय कर सकते हो, वहाँ पर गुड वाइब्स के सारे प्रोडक्ट्स पे अच्छी खासी डिस्काउंट हमेशा चलती रहती है। एंड आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस सीज ब्यूटी का ब्लश। दिस इज इन द शेड 04 जस्ट रोज। सीज ब्यूटी ने मतलब एकदम कमाल कर दिया, मतलब इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट वो अब ला रही है मार्केट में। एंड लुक एट द प्रोडक्ट, मतलब पैकेजिंग सब कुछ, मतलब इस पर आपको कुछ फिंगरप्रिंट्स दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था ये थर्ड वीडियो शूट हो रही है, बट मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ है। बट मतलब इसकी पैकेजिंग इतनी खूबसूरत है, मतलब पूरा इधर से ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है और इधर से भी ट्रांसपेरेंट है, बस बीच में ऐसे प्रोडक्ट दिया हुआ है। और इसका कलर मैंने अभी मैंने इसका कलर लिया है जस्ट रोज़, मतलब एक अच्छा सा एक रोज़ी, मतलब हल्का पिंक कलर है,
पता नहीं मेरे पे पिंक कलर कैसा लगने वाला है क्योंकि मैंने कभी पिंक कलर एज अ ब्लश नहीं यूज़ किया हुआ है। मैं हमेशा कोरल साइड में जाती हूँ क्योंकि कोरल मेरे स्किन पे ज़्यादा सूट करती है, बट आई थिंक ये मेरे स्किन पे अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी हम लोग वो अगले वीडियो में देखें। प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब आप इसको अगर बाय करना चाहो तो ज़रूर बाय करना। मतलब इस रेट में आपको इतना अच्छा ब्लश और इतने अच्छे पिगमेंटेशन के साथ मिल रहा है और कहीं नहीं मिल। एंड आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो फ्रॉम सीज ब्यूटी। ये सीज ब्यूटी की लैशेज हैं, 3D स्टूडियो इफेक्ट आई लैशेज। स्टाइल पिक्सी में है और मुझे बिलीव नहीं हुआ, मतलब सच में मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी आई लैशेज मिल सकती हैं। एंड दिस कॉस्ट फॉर ओनली 99, कैन यू बिलीव 99 में आपको इस क्वालिटी की लैशेज मिलना इम्पॉसिबल है। मतलब मुझे तो आज तक नहीं मिली। अगर आपको कुछ पता है, आपके कुछ रिकमेंडेशंस हैं तो ज़रूर बताइएगा, आई विल लव टू नो योर रिकमेंडेशन। बट दीज लैशेज आर जस्ट गॉर्जियस। मतलब आप इसको अपने हैवी लुक्स और सॉफ्ट लुक्स दोनों में यूज़ कर सकती हो। ये एकदम नेचुरल लुकिंग है, एकदम भी मतलब फेक नहीं दिख रही है, बहुत ही प्यारी है। और जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो भी एक आई लैशेज है। ये एक ब्रांड क्लासिस करके कुछ है, आई गेस हाँ कलाइसिस। एंड दीज लैशेज आर ऑल्सो सो गुड। मतलब मैं अभी तक इसी ब्रांड की आई लैशेज यूज़ करती हूँ, बट इस बार मैंने स्टाइल दूसरा मंगाया है। ये स्टाइल CS19 है। मेरा पहले CS या CF13 था। इसके साथ आपको 3 पेयर ऑफ लैशेज मिलती हैं, साथ में ग्लू भी मिलता है और इसका ग्लू काफ़ी अच्छा वर्क करता है, मतलब अच्छे से स्टिक हो जाता है। और इसकी लैशेज की भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसकी MRP कुछ 638 है, बट आपको इस पे अच्छी खासी डिस्काउंट मिल जाएगी अमेजोन पे, तो ज़रूर चेक कर लेना। और हमारा अगला प्रोडक्ट है ये NYP का प्राइमर। ये एक पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है, ब्राइटनिंग प्राइमर, और ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है जिससे आपके पोर्स काफ़ी अच्छे से मिनिमाइज हो जाएंगे। बट मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया। इट मेक्स माई स्किन फील सो स्मूथ, मतलब एक अच्छा कैनवस प्रोवाइड कर रही है मेकअप के लिए, तो हम इसको यूज़ करने के बाद बताएंगे कि ये कैसा है। एंड आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस मॉइस्चराइज़र फ्रॉम सिंपल। ये एक लाइट मॉइस्चराइज़र है, प्रोटेक्टिंग लाइट मॉइस्चराइज़र। इसमें SPF 15 है UVA एंड UVB के साथ। मतलब आपको अलग से एक्स्ट्रा सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं, बट आई विल रिकमेंड कि आप सनस्क्रीन भी लगाना क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ SPF 15 है। बट आजकल की गर्मियों में आपको SPF 50 या SPF 40 की ज़रूरत है, तो बहुत ही ज़्यादा धूप है, तो अगर बाहर जाते हो तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा और स्टे हाइड्रेटेड ऑलवेज। कुछ इस तरीके का इसका बॉटल आता है और ये बिल्कुल भी हैवी नहीं होता, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा लाइट है। मतलब फॉर ऑयली स्किन दिस इज़ फॉर यू, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। चेहरे पे लगाने के बाद बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता, मतलब एकदम फ्रेश आपको फील होगा इसको लगाने के बाद। और इसकी MRP है 460, बट ऑब्वियसली आपको अमेजोन पर डिस्काउंट मिलने वाला है। और जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है ये ब्लू हेवन का शिमर मैट ब्लश। ये मतलब इतना सुंदर ब्लश था, मतलब वेबसाइट पे भी ये बहुत अच्छा दिख रहा था और मतलब ये आया भी बहुत सुंदर है, बट हो गए मेरे साथ ट्रेजेडी। ये मुझे टूटा हुआ रिसीव हुआ है और इसको मैं खोलना नहीं चाहती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मिस हो जाएगा, इस वजह से हम इसको नहीं खोलेंगे, इसको हम फिक्स कर लेंगे। इसका शेड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये इसका शेड लिखा हुआ है नहीं। इसका शेड है 502 और इसका फॉर्मूला भी एकदम बटरी है, मतलब एक स्मूथली अप्लाई होने वाला ब्लश है ये, तो हम इसको यूज़ करने के बाद आपको बताएंगे। और नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस NYP की स्टिक। ये एक फाउंडेशन, कंसीलर, कंटूर, कलर करेक्शन स्टिक है। इसका सबसे ज़्यादा डार्केस्ट शेड मंगाया है क्योंकि मैंने आज तक कभी भी क्रीम कंटूर नहीं किया हुआ है, मैं हमेशा ब्रॉन्जर यूज़ करती हूँ, तो मुझे क्रीम कंटूर ट्राई करना था। ये कुछ इस तरीके का है, ये एकदम सबसे ज़्यादा डार्केस्ट शेड मंगाया था मैंने और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा स्मूद आई है, मतलब एकदम क्रीमी बटरी है। और इसका मैं फाउंडेशन भी मंगाऊंगी क्योंकि मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। एंड दिस इज़ वेरी नाइस प्रोडक्ट। और नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ माई फेवरेट। दिस इज़ सीज ब्यूटी का ब्रिक हाइलाइटर
ओ माय गॉड, मतलब फेवरेट बोला है तो कुछ तो बात होगी इसमें. मतलब ये इतना सुंदर हाइलाइटर है. लुक एट द पैकेजिंग, लुक एट द कलर. मतलब इतना सही है ना ये. देखिए कुछ इस तरीके का ये प्रोडक्ट है. ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. मतलब इसकी सबसे सही चीज़ क्या लगी, मतलब आप इस पूरे को मिक्स करो और ये बहुत ही सुंदर सा एक हाइलाइटर शेड बन जाएगा. मतलब एकदम परफेक्ट, जो सब सारे स्किन टोन पे जाएगा. और इसका आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, मतलब ऐसे ये आप ऐसे सिंगल शेड्स को भी यूज़ कर सकते हो एज अ आई शेडो ऑल्सो एज अ. और ये शिमरी ब्लश का भी काम करेगा आपके फेस पे. मतलब जैसे ये वाला जो शेड है मुझे सबसे अच्छा लगा है, लैलैक पिंक सॉर्ट ऑफ अ कलर है ये. इसको आप एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो. मतलब लुक एट द कलर, ये कितना सुंदर है. और इसी तरीके से आप ये सिल्वर वाला भी यूज़ कर सकते हो. मतलब एकदम, मतलब बहुत सारा, मतलब इससे काम हो जाने वाला है. मतलब ब्लश का भी काम हो जाएगा, हाइलाइटर का भी और आई शेडो का भी. और इसमें मतलब आपको 5 कलर्स मिल रहे हैं और क्या चाहिए. और इसकी MRP सिर्फ 349 है और आई गेस कुछ डिस्काउंट भी है. तो ज़रूर 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 ट्राई करना ये प्रोडक्ट ऑन माय रिकमेंडेशन. मतलब आप रिग्रेट नहीं करोगे इसको बाय करने के बाद. ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट. एंड आवर लास्ट प्रोडक्ट इज़ दिस स्विस ब्यूटी का ये मैट लिक्विड लिपस्टिक. ये स्विस ब्यूटी की है लिक्विड लिपस्टिक और इसकी MRP कुछ 199 है बट ऑन डिस्काउंट. और इसका शेड है 10 कुकी. और ये इतना खूबसूरत पिंक मॉव न्यूड शेड है. मतलब एकदम परफेक्ट है हमारे स्किन टोन्स के लिए. मतलब एकदम ब्राउन स्किन टोन्स के लिए. मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. मतलब एकदम ड्राई नहीं होता लिप्स पे. और शेड तो बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है. मतलब आप देख सकते हो खुद ही. मतलब ये सारे स्किन टोन पे बहुत ही प्यारा लगेगा. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो. और ये मेरा हॉल. और ये आपको इस तरीके का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना. एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. इसी तरीके के मेकअप और हॉल्स और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. और आगे कोई मेरी वीडियो मिस आउट ना हो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे सबसे पहले आ जाए. तो बस आज के लिए बस इतना ही. आप अपना ख्याल रखिए और अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिए. टेक केयर एंड बाय बाय.